नमस्कार, आप देख रहे हैं बत्ता बिहार न्यूज मीडिया। मैं हूँ आपके साथ रमन दास। दिन भर ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे बत्ता बिहार न्यूज मीडिया के साथ। नवादा जिले की मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में सांप काटने से एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि नरेश चौधरी के 23 वर्षीय पुत्र अजय कुमार घर में सोया हुआ था, तभी एक सांप ने उसे काट लिया। आन फाने में परिजनों के सहयोग से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। नवादा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। कल रात में बारिश हो रहा था, उस दौरान 11:00 हो रहा था। एक रूम में सोया हुआ था घर के अंदर, उस दौरान में जाके सांप काटा तो देखा कुछ काटा है, तो उसको पकड़ा तो देखता है सांप है, उसको नोच के भीगने के बाद थोड़ा बहुत 10-20 मिनट आधा घंटा हम लोग झाड़ फूँक कराए, तुरंत सदर हॉस्पिटल नवादा लेकर आए। नवादा लाने के बाद इलाज के दौरान चलने लगा, इलाज के दौरान डेड कर गया। डेड करने के बाद हम लोग इसका टेंशन में आ गया कि डेड कर गया। कहाँ का मामला है? ये ग्राम पंचायत भगवानपुर, ग्राम लक्ष्मीपुर। क्या नाम है इनका? अजय कुमार। सांप को क्या किया? सांप को हम पकड़ कर लेकर आए। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। Thank you.